तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मेंस एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक में, जिसको रोहतक की आम भाषा में सुपवा या फिर फिल्म सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और ये यूनिवर्सिटी अपने 4 कोर्सेज को लेकर बहुत प्रचलित है, जो कि हैं फिल्म एंड टेलीविज़न, डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा कैंपस है यूनिवर्सिटी का। हम आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको थोड़ा डिटेल में कैंपस दिखाते हैं। ये जो आप सबसे बीच में देख पा रहे हैं, ये मेन ऑडिटोरियम है इस यूनिवर्सिटी का। और अब हम आपको लेके चलते हैं पहले डिपार्टमेंट में, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। और आपको एक बात बता दूं कि आपको इस यूनिवर्सिटी में हरियाली की तो कोई कमी नहीं दिखेगी। जहाँ तक आप देखेंगे, वहाँ पर सब जगह पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के फूल, सब चीज़ें हैं। स्कल्पचर्स लगा रखे हैं यूनिवर्सिटी में, हर जगह जगह स्कल्पचर्स मिलेंगे आपको। यूनिवर्सिटी खूबसूरत बहुत है। और इसके अंदर मेनली जो कोर्सेज प्रोवाइड करे जाते हैं वो हैं डायरेक्शन, एडिटिंग, साउंड, एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी और मास कम्युनिकेशन। जो डायरेक्शन से लेकर सिनेमाटोग्राफी तक के कोर्सेज हैं, इसमें आपको बैचलर्स डिग्री मिलती है। मास कम्युनिकेशन एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर आपको बैचलर्स के साथ साथ डिप्लोमा और मास्टर्स की डिग्री मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर टेबल टेनिस की टेबल रखी हुई है और ये बीच में काफ़ी बड़ा कोर्टयार्ड दिया गया है हम लोगों के लिए। और ये है कुछ इस तरह की बिल्डिंग है अंदर से। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि फिल्म्स के लिए फिल्म ऑडिटोरियम बनाया गया है, एक्टिंग क्लासेस के लिए अलग अलग स्टेजेस और बाकी सब चीज़ें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कंप्यूटर लैब भी है यहाँ पे, जहाँ पर कि एडिटिंग के बच्चे एडिटिंग करते हैं अपनी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक। स्टूडेंट्स की कोई भी क्वेरी वगैरह के लिए और जितने भी प्रोसेस होते हैं एडमिशन से रिलेटेड या फिर स्टूडेंट के किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो यहीं किए जाते हैं। अब हम आपको लेके चल रहे हैं फिल्म ऑडिटोरियम में, जिसमें कि हर रोज़ स्क्रीनिंग करी जाती है मूवीज़ की स्टूडेंट्स के द्वारा और स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स की बनाई गई मूवीज़ भी प्रमोट की जाती हैं, दिखाई जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कुछ मूवीज़ का पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें कि कौन कौन सी मूवीज़ दिखाई जाने वाली हैं वो है लिखा हुआ है। तो ये है फिल्म ऑडिटोरियम, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स को फिल्म दिखाई जाती हैं। अब हम जिस जगह पे हैं उसको फ़ोटो गैलरी कहा जाता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा खींची गई फ़ोटोज़, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करी गई फ़ोटोज़ को पोर्ट्रे कराया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा ही। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चल रहे हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जिसको टेक्निकल रूम भी कहा जाता है, जहाँ पर कि प्रोडक्शन से रिलेटेड सारा सामान बच्चों को मिलता है अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करने के लिए। तो कुछ ऐसा है टेक्निकल रूम हमारा, जिसमें कि सभी तरह का सामान प्रोवाइडेड है, क्रेन से लेके लाइट्स तक। तो सर हमारे हैं जो कि इस डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, सर ही हैं जो सब तरह के हमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर बच्चों को इशू करते हैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। तो सर, आप कुछ बता सकते हैं कि किस किस तरीके के यहाँ पर सामान मिल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? मेरा नाम रंजीत फोगाट है, मैं एफटीवी डिपार्टमेंट में लाइटिंग स्टोर इंचार्ज हूँ। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कुछ लाइटें रखी हुई हैं, जैसे कि बेबी लाइट, पावर लाइट, 6K, 1.2K और 4K, 5K और हमारे साइड में क्रेन है ये, और ये कुछ कपड़े स्किमर वगैरह रखे हुए हैं जो कि बच्चे ड्यूरिंग द शूट यूज़ करते हैं, जो कि हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर जितेंद्र शर्मा जी इसके इंचार्ज हैं और हमारे बच्चे इनको एक फॉर्म है बच्चों को दे दिया जाता है, जिससे उसको ईशू फॉर्म बोलते हैं, और बच्चे जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसके तहत हम उसको ईशू कर देते हैं और बच्चे अपना काम करते हैं। और हमारे पास 5-6 लाइट बॉयज हैं जो कि अच्छे तरीके से उनके साथ काम करते हैं, परिवार की तरह काम करते हैं और एक स्टूडेंट को दोस्त की तरह हम पाल पोस के बड़ा करते हैं।
सर, तो जो आप लोग ये लाइट्स वगैरह इशू करते हैं, इसकी कोई ड्यूरेशन होती है कि कितने टाइम तक ये बच्चा ले सकता है या फिर जब तक वो चाहे तब तक रख सकता है? टाइम होता है जो कि मतलब पीरियड होता है 5 दिन या 6 दिन की, जो भी उनकी क्लासेज में पहले ही डिसाइडेड हो जाता है मीटिंग में कि एक बच्चे का 5 दिन का शूट शेड्यूल होता है या 4 दिन का, 3 दिन का, 10 मिनट्स है या सॉन्ग्स है या डिग्री पिक्चर है। जो डिग्री पिक्चर होती है हमारी लास्ट में होती है सबसे, उसके बाद सभी बच्चे जो डिग्री कर जाते हैं वो पास हो जाते हैं। और अलग अलग तरह की लाइटें होती हैं हमारे पास, जैसे कि HMI और टंगस्टन, दो प्रकार की लाइटें होती हैं, रात और दिन की लाइटें, जो कि बच्चों को हमारे जितेंद्र सर काफ़ी अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो अब हम आपको लेके चल रहे हैं यूनिवर्सिटी के प्रॉप रूम में, जहाँ पर कि जैसे प्रॉप्स होते हैं मूवीज़ के अंदर यूज़ किए जाते हैं, कॉस्ट्यूम हो गई, अलग अलग तरीके के सराउंडिंग्स के प्रॉप हो गए, वो सब बच्चों को प्रोवाइड करा जाता है अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ये है प्रॉप रूम अंदर से। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग तरीके के और हर प्रकार के प्रॉप यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये एक फांसी जो लगती है उसका प्रॉप है, और सर ही हमको एक्सप्लेन करेंगे कि किस किस तरीके के प्रॉप्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी यूज होती है जो कि हमारे बच्चे शूट के दौरान यूज करते हैं, जैसे कि कुछ आपको ये आइटमें इधर रखी हुई है, थाली है और रसोई का कुछ सामान रखा हुआ है, और आप वो इसमें भी दिखाएंगे कुछ क्लोथ्स वगैरह भी हैं, गमछे वगैरह, जैसे अपने इन हरियाणी भाषा में बोलते तो गमछे, या और भी अलग तरह की प्रॉपर्टियाँ होती है, जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है हमारे स्टोर में। जितनी भी प्रॉपर्टी स्टूडेंट को चाहिए वो प्रॉपर्टी हमारे कॉस्टम एंड प्रॉपर्टी स्टोर में मिलती है। तो दोस्तों, अभी हम आपको लेके जा रहे हैं साउंड डिपार्टमेंट में, जहाँ पर स्टूडेंट अपने प्रोजेक्ट्स की साउंड की एडिटिंग करते हैं, उसकी डबिंग करते हैं, उसके अंदर बैकग्राउंड साउंड और सब चीज़ें लगाते हैं। तो चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको कि साउंड डिपार्टमेंट है कैसा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऐसा है साउंड डिपार्टमेंट अंदर से। यहाँ पर स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अपना काम कर रहे हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है डबिंग रूम, फिर इससे साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर साउंड मिक्सिंग होती है और साउंड की एडिटिंग होती है, और जो ये रूम आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पर मास्टर एडिटिंग जो होती है साउंड की, वो की जाती है। ये दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं इस डिपार्टमेंट के एडिटिंग रूम, जहाँ पर स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट की एडिटिंग करते हैं। तो कुछ ऐसा है एडिटिंग रूम अंदर से। दोस्तों, अब हम आपको लेके आए हैं यूनिवर्सिटी का एक ओवरव्यू देने के लिए। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जो आपको एक बहुत बड़ा डोम शेप दिख रहा है वो यहाँ का ओपन ऑडिटोरियम है, जहाँ पर कि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस वगैरह और नुक्कड़ नाटक जैसी चीज़ें दिखाते हैं, एक्टिंग के बच्चे। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके आए हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया था, ओपन ऑडिटोरियम में। तो ओपन ऑडिटोरियम अंदर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा कवर्ड है, और यहाँ पर ये स्टेज बना हुआ है। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं ये है हमारा VC ऑफिस। इसके पीछे जो आप ये बहुत बड़ी डिस्क के साथ बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है यहाँ का मेन ऑडिटोरियम, और आप सामने ये जो छोटा सा बिल्कुल केबिन देख पा रहे हैं या फिर ऑफिस कहा जाए इसको, ये है जहाँ पर आप फीस वगैरह सबमिट करते हैं, फीस डिपार्टमेंट है ये। तो दोस्तों, जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं हमारी सुब्बा यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट के फ्रंट में। कुछ ऐसी दिखती है बिल्डिंग, और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के आर्किटेक्चर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, मास्टर के कुछ कोर्सेज हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है अंदर से। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये एक मीटिंग हॉल है, और अगर हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ेंगे तो लेफ़्ट में मुड़ के यहाँ पर आता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और एकेडमिक ब्रांच जिसे बोला जाता है। यहाँ पर आप अपने कोई भी एकेडमी से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं।
ये है यहाँ का एग्ज़ाम डिपार्टमेंट, जहाँ पर कि स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरीज या फिर एग्ज़ाम फॉर्म्स वगैरह भरे जाते हैं। ऐसा है हमारी आर्किटेक्चर बिल्डिंग के आसपास का एरिया। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये एक और यूनिवर्सिटी में पार्क है, और यहाँ पर कुछ स्कल्पचर्स लगाए गए हैं, और जो इसके पीछे आप बिल्डिंग देख पा रहे हैं वो है हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट। यहाँ पर इस तरीके से लैब्स बनी हुई हैं, जैसे कि ये डाइंग लैब है, और डिज़ाइन डिपार्टमेंट अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ की स्टिचिंग लैब है, और जो आपको आवाज़ आ रही है वो यहाँ पर एसी चलने की है। जी हाँ, ये यूनिवर्सिटी पूरी सेंट्रलाइज्ड एसी है, और ये हमारे राइट में वर्कशॉप है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की वर्कशॉप है ये। तो ये यहाँ की लाइब्रेरी है, जो सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही है ये है कैंटीन। इसमें जो गेट दिख रहा है आपको ये कैंटीन का गेट है, और यही बिल्डिंग हमारी फैशन डिज़ाइनिंग की भी बिल्डिंग है। तो चलिए हम आपको इसके फ्रंट में लेके चलते हैं। ये है दोस्तों हमारे डिज़ाइन डिपार्टमेंट का फ्रंट, जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा। ये है मेन ऑडिटोरियम इस कॉलेज का, और इस मेन ऑडिटोरियम के जस्ट सामने लगी हुई है पंडित लक्ष्मी चंद जी की प्रतिमा, और शायद ही कोई ऐसा हो जो कि इन्हें ना जानता हो। हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत ही प्रख्यात, बहुत ही बड़े, और जिसे कहा जाता है कि लेजेंड रहे हैं ये हरियाणा म्यूज़िक इंडस्ट्री के, जिसका अभी अनावरण हमारे राज्यपाल ने किया था यहाँ पर आके।